टॉर्क इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इनर्शिया। टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से हमें मालूम हो गया कि टॉर्क प्रोड्यूस होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये जो फॉर्मूला है हमारा आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अगर हम कोई भी बॉब को किसी भी फिक्स जगह से, ये दरवाज़ा हमारे पास डोर, इसको जब हम खोलते हैं बंद करते हैं, वो उस कंडीशन में भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। किस तरीके से प्रोड्यूस होता है इसको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे कि भाई टॉर्क इस तरह पैदा होता है और टॉर्क होता क्या है। टॉर्क का जो फॉर्मूला है बेसिकली आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब इसमें टॉर्क का सिंबल आर क्या है, एफ क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। सेकंड जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अगर आप यहाँ देखें तो इधर इक्विलिब्रियम से मुराद ये कि कोई भी चीज अपनी बैलेंस में आ जाए, बैलेंस कंडीशन में। सपोज करते हैं हमारे पास कोई बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस या तराजू है। तराजू के राइट हैंड साइड पे 100 किलो वेट यूज कर लें या फिर 50 kg का वेट आप यूज कर लें एक साइड पे, दूसरी साइड पे हम 25 25 लेफ्ट हैंड साइड पे वेट को यूज कर लें। अब हमने एक जगह पे 50 यूज कर लिया, दूसरी साइड पे 25 25 के दो वेट यूज कर लिए। अगर हम 25 और 25 के वेट को अगर देखें तो वो ऐड करने में 50 kg होगा। इस साइड पे हमने 50 kg ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों कंडीशन, दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब जब दोनों की दोनों बैलेंस में आ जाएंगी, बराबर होगी, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगी। दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम। अब आप अगर देखें इस इधर जो बैलेंस की कंडीशन है वो इस तरीके से कि यहाँ जो बेबी बच्चा जो बैठा है वो थोड़ा सा सेंटर पॉइंट से दूर है, जिसकी वजह से इसका वेट ज़्यादा है, और जितनी करीब लेकर आते जाएंगे, अब जो खातून है हमारी यहाँ पे लेडी, इनका वेट बच्चे से ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको करीब लेकर आऊँगा इनको, तो इनका जो बैलेंस है स्केल का वो ऑटोमेटिक बैलेंस उनकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। वरना अगर इन दोनों का वेट वेट किया जाए तो इन दोनों का वेट डिफरेंट डिफरेंट होगा। लेकिन अब ये जिस तरीके से सेटिंग की गई है इनकी, तो दोनों के दोनों क्या है, बैलेंस कंडीशन में आ रहे हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम। एंड देन रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनर्शिया क्या होता है, रोटेशनल इनर्शिया क्या क्या होता है। टॉर्क, टॉर्क की कंडीशन, टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है और कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, हमें कैसे पता कि ये टॉर्क ही कहाँ और टॉर्क ही क्या। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क डिपेंड ऑन टू थिंग्स। टॉर्क जो है दो चीजों पर डिपेंड करता है, दी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द बोल्ट टू द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। दिस इज आर, ये आर क्या है मैं बताऊंगा। द लेंथ ऑफ द पोजिशन वेक्टर आर, ये जो आर जो है हमारे पास क्या है, पोजिशन वेक्टर है। दिस वेक्टर इज नोन एज पोजिशन वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है, चैप्टर नंबर 2 में मैं बता चुका हूँ, लेक्चर नंबर 3। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
स्केलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द आर। अच्छा, ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कब बनता है? जब 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी परपेंडिकुलर जब भी ड्रॉ होगा तो 90 डिग्री का एंगल मस्ट बनेगा। दिस इज द ओनली कंपोनेंट दैट कैन केस अ रोटेशन एंड एज द फिगर शोज इट इज एफ साइन थीटा। एफ हमारे पास मैग्नीट्यूड है, इफ एन इज अ यूनिट वेक्टर, एन जो है यूनिट वेक्टर है, दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन इन विच अ राइट थ्रेडेड बोल्ट मूव। और इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में बोल्ट नट हमारा घूम रहा होगा। वी डिफाइन द टॉर्क टू द वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन। वी डिनोट दिस टॉर्क वेक्टर बाय टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ एंड वी कॉल इट द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। आपके लिए मैंने ये टॉर्क जो लिखवाया है, अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं टॉर्क के लिए तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर आपको और ये डिफिकल्ट लग रहा है तो मैंने टॉर्क के बारे में मज़ीद डिफाइन किया, देखें, या तो उसमें से लिख लें आप एग्जाम के अंदर, या इसमें से लिख दें, दोनों में आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आप टॉर्क की डेफिनेशन देंगे। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। बोल्ट को हम घुमा रहे हैं किसी डायरेक्शन के अंदर, बोल्ट के ऊपर, नट के ऊपर हम पाना लगाते हैं, पाने को घुमाते हैं हम किसी डायरेक्शन में, और बोल्ट नट जो है जिस चीज में टाइट कर रहे हैं वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में टाइट हो रहा होता है। बिल्कुल अपोजिट तो नहीं कह सकते, जैसे कि अगर मैं किसी दीवार में कोई नट टाइट करता हूँ, जब मैं दीवार में कोई नट टाइट कर रहा हूँ तो आपको ऐसा फील होगा कि अगर मैं टेस्टर के साथ नट को टाइट कर रहा हूँ तो एकदम सीधा सीधा टाइट होगा, लेकिन अगर मैं किसी पाने, प्लास या चाबी से अगर नट बोल्ट को टाइट करूँ तो मैं उसको घुमाता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो नट है वो सीधा सीधा दीवार के अंदर जाना शुरू हो जाता है, या किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप नट टाइट करें बाइक के इंजन के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर जनरेटर के इंजन में, तो आप घुमा रहे हैं चाबी को किसी और डायरेक्शन में लेकिन नट जो है वो मूव कर रहा है किसी और डायरेक्शन में। दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, यानी टर्निंग इफेक्ट किसी भी चीज के ऊपर, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स की जो टर्निंग इफेक्ट है इज नॉन एज टॉर्क। देख लेते हैं मजीद। इन सिंपल वर्ड्स, आसान लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं, व्हेन अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टेंड्स टू प्रोड्यूस रोटेशन इट इज सेड टू एग्जिस्ट टॉर्क। When a single force acting on a body tends to produce rotation, क्या produce होगी? Rotation produce होगी। It is said to exist torque. Torque acting on a particle is defined as the cross product of the position vector of the particle and the applied to the particle. अब देखें आप टॉर्क की कंडीशन देखें, मैंने आपको स्लाइड के अंदर भी बताया है, जस्ट लाइक दिस मेरे पास ये पाना है या चाबी है, इसको मैं बोल्ट की तरह टाइट करना शुरू करूँ किसी डायरेक्शन, अब ये घूम रहा है इस डायरेक्शन में, मैं इसको इस तरह घुमा रहा हूँ, लेकिन टॉर्क प्रोड्यूस क्या हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी फोर्स के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर स्ट्रेट। दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर,
यानी इसका मतलब ये हुआ मैं फोर्स नट को ऐसे घुमा रहा हूँ, सॉरी इस चाबी को या प्लास को पाने को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ और नट जो डाउनवर्ड और अपवर्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। जब उसको टाइट करूंगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा, जब मैं उसको लूज करूंगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, मैं इसको अपोजिट घुमाऊंगा तो वो मूव करने लगेगा। अब जो नट टाइट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द टॉर्क, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इस चाबी के थ्रू, नट के थ्रू, ऑल्सो नोन एज द कंडीशन टॉर्क। एफ डी या आर क्रॉस एफ एक ही बात है, डी और आर ये हमारी फोर्स आ गई, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं आर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और डी से भी। यहाँ मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया है तो डी टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी या एफ एफ क्रॉस डी, फोर्स फैक्टर डिटरमाइनिंग टॉर्क। कौन कौन से फैक्टर हैं जो टॉर्क पे डिपेंड डिटरमाइन करने हैं हमने? देयर आर टू फैक्टर विच डिटरमाइन द टर्निंग इफेक्ट अबाउट सम एक्सिस। व्हेन अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम प्लेन एक्टिंग अ बॉडी, व्हेन अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? कोप्लेनर फोर्सेस उन फोर्सेस को कहते हैं जो एक ही प्लेन के ऊपर लग रही हो, यानी कि चार पांच फोर्सेस में किसी टेबल के ऊपर एक ही डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दूं तो दिस फोर्स इज आल्सो नोन एज कोप्लेनर फोर्सेस। मोमेंट ऑफ आर्म, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फैक्टर इफेक्टिंग टॉर्क्स, डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द रोटेशन इफेक्ट्स टॉर्क इन सच अ मैनर दैट दी फर्दर यू आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन द इजियर इट इज टू रोटेट अराउंड दैट पॉइंट्स, नॉट द डिस्टेंस डी इज ऑल्सो नोन एज द लीवर आर्म। पॉजिटिव टॉर्क, पॉजिटिव टॉर्क, टॉर्क टॉर्क तो प्रोड्यूस हो रहा है, हम नट को टाइट कर रहे हैं, नट को लूज कर रहे हैं, बोल्ट को, और हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे दरवाजे को और हम क्लोज कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं, हम फोर्स किसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्टेंस वगैरह जो है उसका। अब पॉजिटिव टॉर्क की बात करते हैं, लेट्स सी द टॉर्क विच टेंड्स टू रोटेट अ बॉडी इन द काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज गिवन अ पॉजिटिव साइन या पॉजिटिव टॉर्क। देख लें इसको, ये हमारा आर आ गया, ये हमारा एफ आ गया, ये हमारा टॉर्क, टॉर्क का सिंबल आ गया। अब जो ये घड़ी जो मूव कर दी है वो इस डायरेक्शन में कर दी, ऐसे ऐसे जो घड़ी की सुइयां चलती हैं वो इस डायरेक्शन में चलती हैं, लेकिन ये जो है फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में इस तरह लग रही है, तो एंगल जो बन रहा है ऐसे बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि वॉच के घड़ी के अपोजिट है। अब जब वॉच के एंड घड़ी के अपोजिट है तो इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा टॉर्क है? पॉजिटिव टॉर्क। टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? यहां से यहां तक जो डिस्टेंस आ रहे, जो चीज बन हो रही है मूव कर रही है वो एफ है, उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, एफ हम फोर्स लगा रहे हैं, और जैसे दरवाजा है, दरवाजे जो दरवाजा है वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, दरवाजे का कोई ना कोई डिस्टेंस होता है, जैसे कि दरवाजा चाबियों के साथ कनेक्ट है, दरवाजे में आते कुंडे लगे हुए दिखोगे वो है उसका मोमेंट ऑफ आर है, आर वो आर है उसका। अब जो डोर को मैं क्लोज वो बंद कर रहा हूँ वो उसका एफ है, एफ। अब अगर मैं इन दोनों का क्रॉस वोल्टेज निकालू, आर क्रॉस एफ,
उसको सिंपल फॉर्म में क्या कहते हैं, टॉर्क। क्या जनरेट हो रहा है? टॉर्क जनरेट हो रहा है, टॉर्क पैदा हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब नेगेटिव टॉर्क, द टॉर्क विच टेंड टू रोटेट अ बॉडी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज गिवन अ नेगेटिव साइन। वहां कौन सा साइन आ रहा है? पॉजिटिव साइन। यहाँ कौन सा? नेगेटिव साइन या नेगेटिव टॉर्क। अब देख लेते हैं, देखें उस कंडीशन में जो ये एरो थी फोर्स की, वो ऐसे जा रही थी घड़ी के अपोजिट। अब ये घड़ी के साथ साथ घूम रही है, यानी क्लॉकवाइज। देखें एरो बने हुए, देखें घड़ी की तरह है। जब ये घड़ी की तरह होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज। यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क की यूनिट आपको मालूम होनी चाहिए। SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की जो डायमेंशन निकलेगी उसको हम करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लें। आर क्रॉस एफ की डायमेंशन होती है, आप लेक्चर नंबर 1 को देख लें, जो डायमेंशन का है उसमें देखें। चैप्टर नंबर 1 में आई थिंक लेक्चर नंबर 2 है डायमेंशन का, उस लेक्चर को अगर आप दोबारा खोल के देखें तो उसमें मैंने टॉर्क की और फोर्स की डायमेंशन निकाली हुई है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टी माइनस टू, और आर यहाँ मौजूद है फॉर्मूले में, तो आर की होगी एल। तो टॉर्क की डायमेंशन बनेगी ML² T-2। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लें, ML² T-2। अगर यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा तो अपना लेक्चर नंबर 2 को खोलें, डायमेंशन का लेक्चर होगा, उसकी स्टडी कर लें। ये भी देखें हम, अब पानी की बात करते हैं। यहां से यहां तक आर, यानी इसका कोई ना कोई डिस्टेंस है, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है आर से। अब टॉर्क और आसानी से पैदा हो रहा है, मैंने फोर्स लगाई आर पे बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, जैसे ही घूमेगा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ही घूमेगा तो क्या होगा भाई? जैसे ही पाना घूमेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो हमें आसानी हो जाएगी। शॉर्टकट फॉर्म में हम ये भी बता सकते हैं कि भाई आर क्रॉस एफ का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास टॉर्क है। टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है? वो इस तरह प्रोड्यूस होता है, जैसे आप कोई हमारे पास स्टीयरिंग हो गाड़ी का, गाड़ी के स्टीयरिंग को भी हम घुमा रहे हैं, तो अभी भी कह सकते हैं कि उस वक्त जब हम गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो भी टॉर्क जनरेट होगा, पैदा होगा। न्यूटन मीटर इसकी यूनिट है, टॉर्क की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। कैसे न्यूटन मीटर है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, एफ की यूनिट होती है न्यूटन, आर की यूनिट होती है मीटर, यानी यहां से यहां तक कोई ना कोई डिस्टेंस होगा तो मैं हमने आर को मीटर में मेजर करना है। तो टोटल जो इनकी दोनों मिला के जो यूनिट बनेगी वो बनेगी न्यूटन मीटर। डायमेंशन ऑफ टॉर्क आपको लेक्चर नंबर 2 में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने इसमें इस लेक्चर में भी बताया है कि टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो बराबर है आर क्रॉस एफ। सिंबल जो है वो जो होता है वो सिंबल ये होता है। अब आर के जो सिंबल है, डायमेंशन सिंबल आर है, कोई डिस्टेंस है तो उसको मैंने आर को एल से, कोई भी डिस्टेंस हो उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और एफ की जो डायमेंशन है ML² T-2 है, तो इसको थोड़ी सी करेक्शन कर ले, ML² T-2 डायमेंशन भी यूज करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू एल एम
आर की जगह एल। एफ की जगह पे हमारे पास एम एल डी माइनस टू, जो इसकी डायमेंशन होती है, इसको पुट करेंगे एम एल डी माइनस टू, एल और एल मिलके एल स्क्वायर। तो हमारे पास जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी टॉर्क इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अगर यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर नंबर टू को देखने, उसमें मैंने कैलकुलेट करके बताई है। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी बच्चे मालूम है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर बराबर है एल के, एफ बराबर है एम एल टी माइनस टू, एल और एल मिलके एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। टॉर्क की डायमेंशन कैलकुलेट हो जाएगी, ये करीबी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, बराबर, न कम न ज्यादा। When the resultant of all the forces acting on a body comes to zero, the body is said to be in state of equilibrium. और करके देख लेते हैं, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में, और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? एक जैसा, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं, तो सबका यूनिफॉर्म कॉमन है, एक जैसा है, किसी का कोई चेंज यूनिफॉर्म नहीं है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। अब यहाँ पे इन्होंने देखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, या तो बॉडी रेस्ट में हो, और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, यानी मैं कोई गाड़ी कार को स्टार्ट करूं और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म कर दूं, यूनिफॉर्म कब होगी? एक जैसी, यानी कि उसकी ना रफ्तार में मैं कमी लाऊं ना बढ़ाऊं, एक ही स्पीड से, एक ही वेलोसिटी से चलाना शुरू कर दूं उसको। तो इसका मतलब ये होगा कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, देन इट इज सेट टू इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा फिर? इक्विलिब्रियम की स्टेट। अब देखते हैं हम, इफ अ बॉडी हैज जीरो एक्सीलरेशन, अगर किसी बॉडी की एक्सीलरेशन जीरो हो जाए, इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये भी किस कंडीशन में होगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। अब एक्सीलरेशन जीरो कैसे होगा, कौन बताए? एक्सीलरेशन जीरो इस तरीके से होगा कि हम वेलोसिटी जो है हमारी वो चेंज ही नहीं ना करें। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। दिस पॉइंट इज आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम। हमारी ये जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी टाइप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग आर दी टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब होता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम कब होता है और कैसे होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं बात कर लेता हूँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मैं अपने हाथ के ऊपर एक पेंसिल को खड़ा रखूं, स्टेट वो खड़ी रहे, तो ऐसी कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेट ही इक्विलिब्रियम होगा, यानी रुका हुआ इक्विलिब्रियम होगा, वो मूव नहीं कर रहा होगा। अब ये बोल है, अगर मैं इसको किसी हाइट से नीचे फेंकूं और वो हमारे हाथ में आ जाए, एक ही डायरेक्शन में आ जाए,
और इस वक्त जो इक्विलिब्रियम हो रहा है कि मैं बॉल जो है वो मूव करती हुई डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। जब बॉल मूव करती हुई डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम हो रहा होगा वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। ये स्टेटिक, ये डायनेमिक, ये यानी ये साकिन है, स्टेटिक हालत में रुका हुआ है और ये मूव करते हुए हालत में आप पैदा जनरेट हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आएगा। स्टेडी इक्विलिब्रियम, अ बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इज सेड टू बी इन स्टेडी इक्विलिब्रियम, तो किसमें स्टेडी इक्विलिब्रियम है। एग्जाम्पल ले लें, लेट अस कंसिडर अ स्फेरिकल बॉल। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है ऑफ वेट 5 न्यूटन, उसका जो वेट है 5 न्यूटन है, यानी बॉल है उसका वेट हमारे पास 5 न्यूटन है। सस्पेंडेड फ्रॉम दी सीलिंग बाय स्टीरिंग आर, देर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल। 5 न्यूटन की बॉल है उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक फोर्स ग्रेविटी की है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 न्यूटन, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, उसकी डायरेक्शन, वेट की जो डायरेक्शन किस वक्त किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। द अपवर्ड पुल ऑफ द स्ट्रिंग नोन एज टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। और जो अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी जिस रस्सी से बॉल को हमने हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है, वो जो रस्सी में टेंशन है, फोर्स है, उसको हम टी से टेंशन से रिप्रेजेंट किया है। अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होती है टेंशन। दिस टू फोर्सेस बिफोर ईच अदर सो दैट बॉल इज एट रेस्ट, हमारी जो बॉल है वो किसमें, रेस्ट में। डज इफ अ बॉडी इज टू रिमेन इन स्टेडी इक्विलिब्रियम, द अपवर्ड फोर्स मस्ट बैलेंस डाउनवर्ड। टू फोर्सेस हैं बिफोर ईच अदर फोर्सेस, सो दैट बॉल इज रेस्ट, बॉल किस में, रेस्ट में। डज इफ अ बॉडी इज टू रिमेन इन स्टेडी इक्विलिब्रियम, द अपवर्ड फोर्स मस्ट बैलेंस डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स जो है डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रही होती है। मस्ट बैलेंस, मस्त का मतलब क्या है भाई, जरूर जरूर जरूरी जरूर। आप ये भी देख सकते हैं, नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। डायनामिक इक्विलिब्रियम, अ बॉडी इज अ यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, यानी वो जो हरकत करने वाली जो हमारी बॉडी है, वो उसकी जो हरकत है, उसकी जो मोशन है, वो यूनिफॉर्म है, तो इसका भी मतलब यही होता है कि इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज सेड टू बी डायनामिक इक्विलिब्रियम। वो कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, डायनामिक में होगा। कैसे पता चलेगा, मैं आपको इसकी भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। When a parachute jump from an aeroplane, अगर कोई पैराशूटर, पैराशूट मैन के कोई भी शख्स जंप करता है, इट मूव डाउन विद एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वो जमीन की तरफ आएगा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द पैराशूटर्स एक्ट डाउनवर्ड, ग्रेविटी की जो फोर्स है वो पैराशूटर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने पे मजबूर करेगा, यानी वो नीचे ही आना है उसको पैराशूट पहनने के बावजूद भी। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, कुछ लॉज है। देयर आफ्टर द पैराशूटर ओपन्स एंड डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू रिएक्शन ऑफ एयर एंड पैराशूट्स एक्ट ऑन इट। नाउ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड इज बैलेंस्ड बाय एयर रिएक्शन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड।
पैराशूटर फॉल्स डाउन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी जो पैराशूटर बैठ के जो भी शख्स हेलीकॉप्टर से या किसी ऊंचाई से जंप करता है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जमीन की तरफ, अर्थ की तरफ मूव करेगा। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एक और कंडीशन, अगर ये एक ही वेलोसिटी से स्टेप कवर करें सीढ़ियों के स्टेयर के, तो इसमें जो इनका जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। इस कंडीशन में जैसे कि बिल्कुल यूनिफॉर्म रफ्तार से कवर कर रही है डिस्टेंस, इसमें जो इक्विलिब्रियम होगा वो कौन सा होगा, डायनेमिक होगा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है। इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस और द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और इट सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर तमाम फोर्सेस का सम जीरो के बराबर हो तो वो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, यानी कि अगर एक्स एक्सिस की फोर्सेस है वो भी जीरो के बराबर हो, वाई एक्सिस की फोर्सेस है वो भी जीरो के बराबर हो, एक्स और वाई एक्सिस की फोर्सेस को मैं सम कर लूं उसका रिजल्टेंट भी जीरो आ रहा है, तो दिस फोर्स जो जो जीरो के बराबर आने वाली होगी वो फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई कर रही होंगी, प्रूफ कर रही होंगी। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकेंड कंडीशन क्या है, तमाम टॉर्क का जो सम होगा, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो, यानी कि जो बॉडी का जो बॉडी पे एक्ट, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क, तमाम टॉर्क का जो सम होगा वो जीरो के बराबर हो तो देन द बॉडी इज सेड टू बी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी यही होगा, तमाम टॉर्क का जो सम होगा जीरो के बराबर, और ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेम होगा, यानी फर्स्ट कंडीशन में तमाम फोर्सेस का सम जीरो के बराबर और सेकंड कंडीशन में तमाम टॉर्क का जो सम है, तमाम टॉर्क का जो सम है वो जीरो के बराबर होगा। फर्स्ट कंडीशन में फोर्सेस का सम जीरो के बराबर होगा, सेकंड कंडीशन में टॉर्क का जो सम होगा वो जीरो के बराबर होगा। टॉर्क की जो कंडीशन है इसको वीडियो को पॉज करें, इनको समझें कि टॉर्क किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, किस पॉजिटिव कब होता है नेगेटिव कब होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है आपको। कपल का मतलब फिजिक्स में अगर देखें, इंटरनेट वगैरह गूगल वगैरह में भी कपल का वर्ड अगर आप सर्च करें तो उसमें आगे लिख दें कपल इन फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर कपल का क्या मतलब है, कपल अ पेयर ऑफ इक्वल पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस, यानी दो फोर्सेस हो बराबर की और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, लेकिन क्या इक्वल पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस, इक्वल भी होनी चाहिए पैरेलल भी होनी चाहिए, अनलाइक फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड कपल। अब आपको मैंने डेफिनेशन तो लिख के बता दी है, लेकिन आगे समझने के लिए आसान तरीका मैं बता दूं, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, ये हमारे पास एक चाबी है, लेट सपोज मैं किसी नट में फिट कर देता हूँ, किसी स्क्रू में फिट करता हूँ इसको खोलने के लिए बंद करने के लिए, उस पर एक फोर्स में 10 न्यूटन की इधर लगा देता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन की फोर्स लगा देता हूँ। अब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो इस कंडीशन में भी कपल प्रोड्यूस होगा, क्या भाई इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, फोर्सेस दोनों 10 न्यूटन की हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या चीज प्रोड्यूस होगी, कपल। दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज कपल, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नोन एज कपल, ऐसी कंडीशन जिसके ऊपर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही हो लेकिन उनकी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो, दिस फोर्स इज आल्सो नोन एज कपल। एक्सप्लेनेशन, कपल
कंसिडर टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, वही वाली बात कि अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन अनलाइक पैरेलल मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी एक वेक्टर में बनाओ 5 न्यूटन का राइट हैंड साइड की तरफ, दूसरा वेक्टर में बना दो 5 न्यूटन का लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, दोनों की डायरेक्शन अलग डिफरेंट है, एक की राइट है एक की लेफ्ट है, लेकिन दोनों 5 न्यूटन के, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कपल। दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज कपल। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, ये था एग्जाम का सवाल है, असाइनमेंट में आपका है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दोनों कंडीशन आपने एक्सप्लेन करनी है। डिफाइन टॉर्क और मोमेंट, टॉर्क के बारे में बताना है, मोमेंट मैंने अभी आपको नहीं बताया है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करा दूंगा। ऑन व्हाट फैक्टर डिपेंड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, कौन कौन से फैक्टर उस पर इफेक्ट कर रहे हैं एग्जांपल में, विद एग्जांपल। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एक ये क्वेश्चन है, योर असाइनमेंट्स, योर असाइनमेंट्स, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन है आपने तैयार करने। डिफाइन टॉर्क एंड राइट इट्स यूनिट, आपने टॉर्क बताना है, टॉर्क का फॉर्मूला लिखना है और उसकी यूनिट निकाल के बताएंगे। मेरा टॉर्क, टॉर्क की डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन यूनिट लिखेंगे। आपका एक सवाल का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। स्टेट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दोनों कंडीशन लिखनी है इक्विलिब्रियम की, फर्स्ट भी एंड सेकंड भी। टॉर्क किस तरीके से जनरेट हो रहा है, अब तो आप समझ ही गए होंगे मेरा ख्याल है, और नहीं समझ रहे तो कोशिश करें इस लेक्चर को बार बार देखें कि टॉर्क ही क्या है। हम किसी नट के ऊपर, मैंने नट बोर्ड के ऊपर ये चाबी फिट कर दी, इसको हम चाबी भी कहते हैं, ये पाना है असल में, पाने में ये होता है कि इसकी एक साइड में मुंह बना होता है नट के फिट करने का, और चाबी में क्या होता है कि दोनों साइड में मुंह बने होते हैं, एक तरफ छोटा यानी 17 नंबर की चाबी है तो छोटे नट को खोलेगी, और 19 नंबर की 18 नंबर की चाबी है तो थोड़े से बड़े नट को खोलेगी, दोनों चाबीस चालीस के नंबर होते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 17 नंबर और 19 नंबर या 18 नंबर आपको बताया है। घर में होगी आपके पास नट वगैरह खोलने के लिए, औजार में देखिएगा अपना, तो आपको और पता चल मालूम हो जाएगा। स्टेट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आपने स्टेट बतानी है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ लिखनी है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। डिफाइन इक्विलिब्रियम, स्टेटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, आपने दोनों इक्विलिब्रियम पहले डिफाइन करेंगे, इक्विलिब्रियम एंड देन डिफाइन करेंगे स्टेटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होगा, पैराशूट से मूव करते हुए जो इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होगा, वो जो हमें हासिल होगा वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। थैंक यू वेरी मच, इस अपने मन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड फिजिक्स का टीचर मिस्टर मोहम्मद इराज खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।